नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में। बिहार के इतिहास के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत जाना भी होगा, लेकिन आज हम आपको जिस बारे में बताने जा रहे हैं उसके सुनने के बाद आप भी जरूर कहेंगे वाह, ये सच है। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो तो आप अपने घर के बुजुर्गों से एक बार ज़रूर पूछिएगा। तो आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में। यह रेलवे स्टेशन अब 100 साल नहीं बल्कि 161 साल का हो गया है। जी हाँ, यह रेलवे स्टेशन आज भी अपने ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है। बिहार में सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में जैसे ही नाम लिया जाता है वैसे ही आपके दिमाग में एक बात कौंध गया होगा कि पटना जंक्शन के बारे में ही तो बताएगा। जी नहीं, यह रेलवे स्टेशन आज भी अपनी भव्यता और अपनी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है। बिहार में जब सबसे पहली बार रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत हुई थी तो उस समय मुगल सराय, जिसे हम बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, से शुरू हुआ था। यह पटना किउल झाझा के रास्ते हावड़ा तक रेलवे लाइन बिछाया गया था। आपको बता दें कि उस समय पटना में एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था जिसे पटना रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया और वर्तमान में उसमें कई और बदलाव हुए। उस रेलवे स्टेशन को आज 161 साल हो गए हैं। इस रेलवे स्टेशन के बाद पटना जंक्शन का निर्माण किया गया था। तो चलिए अब जानते हैं पटना रेलवे स्टेशन के बारे में। भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने पूरे देश पर राज करने के लिए और माल की ढुलाई के लिए देश की में रेलवे की शुरुआत की। इसी कड़ी में बिहार में भी रेलवे पटरियां बिछने लगी। साल 1861 का समय था जब पटना में भी रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ। इसी साल पटना रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। 1862 में दानापुर लक्कीसराय रेलखंड की स्थापना हो गई थी। साल 1867 में दानापुर से फतुहा रेलवे लाइन के बीच में रेलवे का जो है दोहरीकरण किया गया था। पटना रेलवे स्टेशन के कई नाम हैं। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन बनने से पहले उसे पटना रेलवे स्टेशन, बेगमपुर स्टेशन और बाद के दिनों में इसे बांकीपुर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बाद के समय में जब पटना जंक्शन बना तो उसका नाम बदलकर पटना साहिब हो गया, जिसे आज हम पटना सिटी भी कहते हैं और पटना साहिब भी कहते हैं। इसे रेलवे स्टेशन को ऐतिहासिकता गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानी जाती है, इसलिए तो इस रेलवे स्टेशन का नाम पटना साहिब पड़ा। उस समय के देश के रेल मंत्री रहे सरदार बूटा सिंह ने इस रेल स्टेशन का नाम पटना साहिब रखा था। इससे पहले पटना जंक्शन बन जाने के बाद से इसका नाम पटना सिटी कर दिया गया, क्योंकि तब यही सिटी हुआ करता था, लेकिन समय के साथ शहर का विकास हुआ और उसमें कई बदलाव हुए जो आज हम सभी लोग देख रहे हैं और उसी में जी रहे हैं। पटना साहिब रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, यानी कि जन्म स्थली यहीं पर है। इस रेल स्टेशन पर वर्तमान में 125 रेलगाड़ियों का ठहराव है। वहीं अगर हम इस रेलवे स्टेशन की वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो यह दानापुर रेल डिवीजन के पूर्व मध्य रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है। यह हावड़ा से दिल्ली वाया पटना जंक्शन के बीच में आता है। तो हमने जिस रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताया वह था पटना साहिब रेलवे स्टेशन, जिसे इससे पहले पटना सिटी के नाम जाना जाता था, और उससे भी पहले अगर हम बात करें तो पटना रेलवे स्टेशन के नाम से उस रेलवे स्टेशन को जाना जाता था, और वह पटना जंक्शन के बनने से बहुत पहले की कहानी है। अंग्रेजों के समय की कहानी है, 1800 ईस्वी की कहानी है। पटना रेलवे स्टेशन अपने आप में एक पूरी ऐतिहासिकता को समेटे हुए है। बिहार और बिहार स्टूडियो और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।